गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11। जो पिछले वीडियो में हमने जहाँ से छोड़ा था उससे आगे बढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था सवाल नंबर 3 तक 2 तक, आज हम तीसरे सवाल से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, तीसरा सवाल हमने ये रखा है कि एक ही आधार बीसी पर दो त्रिभुज, इस आधार इसको मिटा देते हैं। अभी एक त्रिभुज बनाया ए बी सी और ए बनाया बी बी सी, दो त्रिभुज है, एक ही आधार, आधार कौन सा है? बी सी। जब मैंने ए को बी से मिलाया तो इस पर प्रतिच्छेद करते हैं एक दूसरे को, और हमें सिद्ध कर दे रखा है एक ही आधार बी सी पर दो त्रिभुज, एक ए बी और सी, एक बी बी और सी, दो त्रिभुज बन गए। सिद्ध ये करना है कि दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल, दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात, एक ए बी सी का क्षेत्रफल, दूसरा बी बी सी का क्षेत्रफल, दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात ये होता है ए और बी। अब हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल याद करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल याद करने के लिए त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 आधार बिंदु ऊंचाई, ऊंचाई के या शीर्ष बिंदु। अब आधार तो हमें दे रखा है दोनों बी सी, लेकिन हमारे पास क्या नहीं है? शीर्ष। तो पहले हम यहाँ शीर्ष नंबर डालेंगे, शीर्ष नंबर डालेंगे, पहले हम डालते हैं एक पेड़ डाल दिया ए एम, ए एम नंबर डाल दिया इस पर बी सी का, एक नंबर डाल दिया है डी एन को, डी एन नंबर डाल दिया इस पर बी सी, एक ही आधार है इसलिए दोनों में आधार नहीं है बी सी, बी सी पर नंबर डाल दिया एक ए एम और एक डी एन। तो पहले रचना क्या की हमने, ए एम नंबर बी सी व डी एन नंबर वही बी सी, उत्पत्ति करेंगे। देखिए जब मैंने नंबर डाले तो छोटे छोटे त्रिभुज बन गए, दोनों त्रिभुजों को हमें करना क्या है मतलब समरूप, दोनों त्रिभुजों का हमें लिए ए एम ओ त्रिभुज डी एम ओ समरूप करेंगे। तो देखिए इसका कोण एन और इसका कोण, क्योंकि मैंने नंबर डाला तो यहां भी नंबर डिग्री, यहां भी दोनों कोण बन गए। ये कोण एक मान लिया, ये कोण दो मान लिया, तो कोण एक और दो कौन से कोण बना रहे हैं? शीर्ष बिंदु। कौन से कोण बना रहे हैं? शीर्ष बिंदु। जब दो कोण बराबर हो जाए त्रिभुजों के तो हमारे पास एक समरूपता आ जाती है ए ए सी, कौन सी समरूपता आ जाती है? ए ए समरूपता। ए ए समरूपता से हम क्या लिख सकते हैं? त्रिभुज ए एम ओ समरूप त्रिभुज डी एम ओ, और समरूप हम जानते हैं समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती क्या होती है? समानुपाती। तो इसकी ए एम तो उसकी कौन सी? डी एम। मान लीजिए ए बी सी का लंब लिया ए एम, तो इसका लंब कौन सा आ जाएगा? डी। मान लीजिए ए बी सी एम लिया तो ए एम को हमें आगे भुजा मान लीजिए हम ए ओ लेते हैं, तो इसकी भुजा कौन सी लेंगे? डी। ए ओ बटी डी समीकरण मान लेंगे। अब दोनों त्रिभुजों का हम क्षेत्रफल निकालेंगे, एरिया त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया डी बी सी, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र ये है 1/2 आधा, इसने बताया था आधा दोनों त्रिभुजों में समान है, क्या है? बी सी। बी सी गुणा शीर्ष लंब, और इस त्रिभुज में ए बी सी में लंब क्या डाला था मैंने? ए है। इसी प्रकार इसका क्षेत्रफल में 1/2 आधा, आधा इसमें दे रखा है दोनों में क्या है समान, तो यहां भी क्या आ जाएगा? अब बी बी सी या डी बी सी में कौन सा लंब डाला है हमने? डी है।
एरिया विथ ए बी सी बटे एरिया विथ डी बी सी। यहां बच गया ए एन बेटा बटे में बच गया हमारे पास। समीकरण एक से मान रखे थे, समीकरण एक से मान रखेंगे बेटा, समीकरण एक से मान रखेंगे ये आ जाएगा हमारे पास क्या एरिया त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया त्रिभुज डी बी सी। अब ए एन बटे डी एन, ए एन बटे डी एन का मान बेटा यहां से क्या लिख सकते हैं समीकरण एक से एगो बटे टी, यहां जाएगा क्या एगो बटे डी ओ। देखिए क्या हमें ए बी सी सिद्ध करना था, बिल्कुल यही सिद्ध करना था, ये है इस प्रकार से हमने तीसरा सवाल हल किया है। अब हम देखेंगे अगला सवाल, सवाल नंबर चार, और सवाल नंबर चार के तीन भाग देखते हैं। सवाल नंबर चार कौन सी बड़े वाले की मूर्ति पुष्टि की दोनों भुजाओं के वर्ग
इसके अनुपात होगा। अब मान रखेंगे AD बटे DD का, AD बटे AD का, तो देखिए AD का मान हमारे पास दे रखा है क्या, AD का मान 2 और DD का मान 3, ये 2 और ये 3। मान रखेंगे एरिया त्रिभुज ADE बटे एरिया त्रिभुज ए डी का मान हमने दे रखा है कितना, 2 का स्क्वायर बटे ए डी का मान, ए डी का मान यहां से आता होगा 2 × 3 = 5, 5 का स्क्वायर। इसको लिखेंगे हम एरिया, एरिया त्रिभुज ए डी ई, ए एरिया त्रिभुज ए बी सी और 2 का स्क्वायर लिखेंगे तो 4 और 5 का स्क्वायर लिखेंगे तो 5। इसका दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या आया, 4:25। एरिया त्रिभुज ए बी ई अनुपात एरिया त्रिभुज ए बी सी और अनुपात आया 4:25। आशा करता हूँ आपको सवाल समझ में आया होगा, और समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम आए कमेंट करें और पूछें कि मान किस प्रकार से आया, कहाँ से आया, क्यों आया। आगे बढ़ रहे हैं सवाल नंबर 2 पर, चौथे का दूसरा देखिए। चौथे का दूसरा है हमारा एक रेखाखंड एबी, एक रेखाखंड एबी, तो मैंने एक रेखाखंड खींच दिया एबी के बिंदु ए व बी, ए व बी पर दो लंब PB को क्यों, एक लंब है PB, ये हो गया PB लंब है, एक है QA। अब क्यों इधर भी संकेत कर सकते हैं, लेकिन इसमें देख रहा है दोनों विपरीत हो रहा है, यानी इसको ऊपर लेंगे तो ये नीचे विपरीत हो जाएगा। मेरा क्या प्रश्न, एक QA लंब है और एक PB लंब है, QA लंब हो गया वही AB पर, PB भी लंब हो गया किस पर। आगे दे रखा है यदि PQ को मिलाया जाए, इसको मिलाया जाए बेटा, PQ को मिलाया जाए तो ये AB को O पर प्रतिच्छेद करता है, ये AB को किस पर प्रतिच्छेद करता है, O पर प्रतिच्छेद। हमें दे रखा है PO बराबर 5, PO बराबर 5, ये लगा लगा आपने 5, QO हमें लगा लगा 7, क्या क्या लगा लगा उसको लिखने के लिए, PO 5 सेमी, QO 7 सेमी, और भी दे रखा है एरिया त्रिभुज PBO, और ये दे रखा है मेरे पास कितना, ये रखा बेटा हमें 150 सेंटीमीटर का। हमें पूछा क्या है, एरिया त्रिभुज QAO, इस त्रिभुज का हमसे पूछा बेटा क्षेत्र, ये हमें याद है त्रिभुज का क्षेत्रफल जब भी हो तो पहले हम दोनों त्रिभुजों को समरूप कर लेते हैं, तो दो त्रिभुज हो गए एक त्रिभुज QAO, ये त्रिभुज है, दूसरा त्रिभुज है PBO, देखेंगे इसमें क्या क्या बात है। तो देखिए कोण A इसका और B इसका,
बिकॉज क्योंकि यहाँ नंबर आना है और नंबर आए तो दो नंबर पड़ जाएगा। आगे इस बार कोण एक मान लेते हैं, ये कोण दो मान लेते हैं, कोण एक कोण दो के बराबर होगा और ये कोण से कोण उल्टा शीर्षा बिंदु, कोण से कोण रहेंगे शीर्षा बिंदु। आगे देखेंगे जब दो कोण बराबर होंगे तो बेटा समरूपता कौन सी लगेगी, जब मैंने प्रश्नावली में समरूपता के नियम या प्रोपोर्शन बताई थी तो मैंने एक ही बात बताई थी 95% हम यूज करेंगे ए समरूपता, वो ही होता दिखाई दे रहा है। आगे देखिए ए समरूपता से क्यों ए ओ समरूप हो जाएगा किसके, पी बी ओ, और समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात एरिया त्रिभुज QAO बटे एरिया त्रिभुज PBO क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजा, इसकी संगत तो इसके हो गए QO, इसकी बजाय QO और इसकी हो गए PO, और इनके वर्ग और इनका भी अनुपात इसके बराबर होता है। तो QAO का मान हमें याद करना है, इसका मान हमें दे रखा है यहां से कितना दे रखा है 150 बराबर क्यों ओ का मान दे रहे हमेशा पहले 7 का स्क्वायर बटे पी ओ का मान दे रहा है क्या 5 का स्क्वायर एरिया त्रिभुज क्यू ए ओ बटे कितना दे रखा है 3 में हमें एक आकृति दे रखी है और आकृति के हिसाब से मान पूछा है, आकृति इस प्रकार से दे रखी है, इस प्रकार से आ सकती है नाम देखा में ए बी सी डी और ये नाम दे रखा है, ये दे रखा है 50 डिग्री, ये भी दे रखा है 50 डिग्री, आगे हमें दे रखा है यहां से यहां तक का मान दिया बी और यहां से यहां तक का मान दिया सी, इसका मान देगा हमें एक्स, इसका मान देगा हमें एक्स का मान एबीसीडी पर होने चाहिए। तो सबसे पहले दोनों त्रिभुजों को हम समरूप करेंगे सबसे पहले एक तो मूल त्रिभुज तो है ए सी और ई,
दूसरा त्रिभुज है बी सी और डी, तो इसका तो एक और इसका डी पहले से दे रखा है 50-50 है, 50-50 डिग्री है, दोनों के समान। आगे देखेंगे, आगे देखेंगे तो और क्या बता, देखेंगे कि सी दोनों में क्या होगा, तो बैलेंस कौन सा कौन होगा बेटा, बैलेंस बैलेंस कौन होगा, समरूपता तो दो को बराबर होगी, कौन सी समरूपता बेटा ए से, और ए समरूपता से हम क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज ए सी डी समरूप त्रिभुज बी सी, और समरूप त्रिभुजों के संगत भुजा समानुपाती होते हैं। मान लीजिए इसकी ए भुजा इसकी आ जाएगी बी, मान लीजिए इसकी भुजा ए सी रहते हैं तो इसकी भुजा आ जाएगी कौन सी भुजा बी सी, जब ये इसकी भुजा लेंगे तो इसकी भुजा ये आ जाएगी, तब इसकी भुजा ये लेंगे तो इसकी भुजा ए का मान में रहता पहले से क्या ए बटे डी का मान बेटा हमें क्या रहता है एक्स, ए सी का मान यहां से यहां तक है इसमें दो बार बार एक बी और एक सी दोनों को जोड़ने के क्या हो जाएगा बी प्लस सी बटे बी सी का मान, ए सी का मान हमें पहले से रहता है क्या सी, वजन गुणा करें बेटा एक्स को बी प्लस सी से गुणा करें तो आ जाएगा एक्स गुणा बी प्लस बराबर ए को सी से गुणा करके आ जाओ बेटा इस, हमें तो एक्स का मान निकालना है बेटा, एक्स का मान निकालेंगे तो ये गुणा वाली जो संख्या है बटे में आ जाएगी, ये आ जाएगा बी ए सी आ जाएगा ए सी ऐसे की ऐसे बटे ये गुणा वाली संख्या बेटा आ जाएगी गुणा में था बी प्लस सी जो आ गया बटे में, इस प्रकार हमें एक्स का मान प्राप्त हो जाएगा क्या ए सी बटे बी प्लस सी। आगे देखते हैं अगला सवाल, पांचवा सवाल देखते हैं, पांचवा सवाल हमें दे रखा है त्रिभुज एबीसी में कोण बी समान, मैंने एक त्रिभुज बना दिया ये ए बी और सी जिसका बी कोण बेटा हो गया है समान, बी डी लंब है कर्ण एसी, ये बी डी लंब डाल दिया किस पर एसी, देखिए सबसे पहले के दिया है डी क्या रखा है त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है जिसमें जिसमें कोण बी बराबर 90 डिग्री तथा बी डी लंब है कर्ण इस पर ए सी, ये हमें दिया है सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि जो लंब मैंने डाला है उसके दोनों ओर जो त्रिभुज बन रहे हैं दोनों का क्या होते हैं, हमें सिद्ध ये करना है कोण त्रिभुज ए डी और बी समरूप त्रिभुज बी डी ए डी ए डी और बी वाला त्रिभुज बी डी और
सी इस वाले में पूछने क्या है समरूप उत्पत्ति करनी। तो जो दोनों त्रिभुज हमें समरूप सिद्ध करने हैं पहले उन दोनों त्रिभुजों को अलग अलग मूल त्रिभुज के ख्याल कर लेते हैं तब समरूप। तो हमारे पास आएगा पहले लेते हैं त्रिभुज ए बी ई ए बी ई मूल त्रिभुज कौन सा होगा बोलो ए बी सी। क्या क्या बराबर है हम देखेंगे ए डी में यहां में लंब डाला और त्रिभुज एबीसी का तो पहले से देख रहे कौन सा बी नंबर डिग्री का ए और बी कितने डिग्री हो गए और ए बड़े वाले त्रिभुज में भी है और छोटे वाले में तो है बड़े वाले में भी है तो दोनों त्रिभुजों के कोण ए क्या हो गया उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ ये हो गया बेटा कौन से समरूपता हो गई ए ए समरूपता और ए समरूपता से क्या लिख सकते हैं दोनों त्रिभुजों को हम समरूप लिख सकते हैं तो त्रिभुज ए बी बी समरूप त्रिभुज ए बी सी समीकरण क्या मान लेते हैं अब बचा दूसरा त्रिभुज बी डी सी दूसरा त्रिभुज लेंगे त्रिभुज बी मूल त्रिभुज कौन सा है ए बी ओ सी। यहां पर हम करेंगे समरूप तो यहां एक का इधर भी यहां दो मान लिया तो बी डी सी का कौन सा दो और इसका कौन पहले से इधर का कौन सा बी तो दोनों कितने डिग्री हो गए बेटा इसके बाद जब इसमें ए उपनिष्ठ था तो इसमें कौन सा है बेटा सी और सी बराबर इसमें भी हमें दो कोण बराबर हो गए जब दो कोण बराबर हो तो बेटा क्या समरूपता लगेगी ए ए समरूपता से और ए ए समरूपता से हम क्या लिख सकते हैं त्रिभुज बी डी सी समरूप त्रिभुज ए बी सी इसको समीकरण मान लेते हैं तो पहले व दूसरे समीकरण इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड एक और दो का उपयोग करें तो देखिए एक ही सी दोनों में समान है तो ये तो आ जाएगा बाकी बचे हुए त्रिभुज क्या हो जाएंगे समरूप आ जाएगा त्रिभुज ए बी डी समरूप यहां कौन सा बच गया क्योंकि ए और ये दोनों में क्या है सम इसलिए ये दोनों को भी आपस में बदल देंगे और बेटा वहां ये से करने का बता अब हम इस प्रश्न को लेकर लास्ट सवाल देखेंगे अंतिम सवाल सवाल देखिए बेटा अंतिम सवाल में दे छठा सवाल देखेंगे सिद्ध कीजिए कि वर्ग की एक भुजा पर बनाए गए संभव त्रिभुज एक वर्ग है ये और इसकी एक भुजा पर बनाए गए संभव त्रिभुज ये बना दिया मैंने पाया जिसका नाम दे दिया मैंने ए बी सी और इसकी एक भुजा पर बनाया गया संभव त्रिभुज मान लीजिए मैंने यहां ये एक संभव त्रिभुज बना दिया इसका नाम दे दिया मैंने ई ये संभव त्रिभुज हो गया बी सी और ई मूल त्रिभुज ये देखा है ये संभव त्रिभुज इस त्रिभुज के विकर्ण पर इस त्रिभुज का विकर्ण बनाया मैंने ये और इस पर जो संभव त्रिभुज बन रहा है ये डी पी ए ये
इस त्रिभुज का, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का ये क्या होता है? तो सबसे पहले लिखेंगे हम दिया है, दी क्या लिखा है मैं, एबीसीडी एक बार लिखा है, जिसके भुजा पर समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज कौन सा बना, डी सी ई व विकर्ण, विकर्ण बी डी पर समबाहु त्रिभुज कौन सा बना, समबाहु त्रिभुज ए डी और है, समबाहु त्रिभुज बी डी है बने, जिसकी भुजा टीसी या डीसी और डीसी, डीसी पर संभाव त्रिभुज जो डीसी पर संभाव त्रिभुज डीसी ई और विकर्ण बीटी पर संभाव त्रिभुज बीटी है बने। सिद्ध क्या करना है कि जो भुजा पर संभाव त्रिभुज बनाए एरिया त्रिभुज डीसी, भुजा पर त्रिभुज बना उसका क्षेत्रफल, विकर्ण पर जो त्रिभुज बना है विकर्ण पर त्रिभुज कौन सा बना है, बी डी और ए, और इसके क्षेत्रफल का ये क्या होता है आधार। वर्गीय भुजा पर बना त्रिभुज डीसीई का क्षेत्रफल, विकर्ण पर बने त्रिभुज बीडीएफ के क्षेत्रफल का क्या होता है आधा होता है, ये हमें सिद्ध करना है। उत्पत्ति करें तो मान लीजिए हमने वक्र भुजा ए मान ली, ये ए है, ये ए है, ये भी क्या होगा ए, ये भी, तो पहले हम विकर्ण की लंबाई याद कर लेते हैं, विकर्ण त्रिभुज हमें डी ए बी, चूंकि वर्ग का समकोण बन गया तो त्रिभुज भी कौन सा बना, सम समकोण त्रिभुज में कर्ण बी डी का स्क्वायर, दूसरी भुजा ए बी और लंब कौन सा है ए बी, कर्ण का स्क्वायर से दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, बी डी का मान हमें निकालना हो गया बी डी का स्क्वायर बराबर ए बी का मान मान रखा हमने ए, हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस ए डी का मान भी क्या है ए, यहाँ भी हो जाएगा ए का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर को छोड़ेंगे क्या हो जाएगा दो ए स्क्वायर, यहाँ समीकरण क्या मालूम है। अब हम दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, क्षेत्रफल होगा हमारा एरिया त्रिभुज डी सी ई बटे एरिया त्रिभुज बी डी और ए, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र तो सभी जानते हैं, यहाँ त्रिभुज बन रहा है कौन से संभव, संभव त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र सभी जानते हैं संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये हो जाए बेटा अंडर रूट तीन बटे चार भुजा का स्क्वायर, लिखेंगे अंडर रूट तीन बटे चार भुजा क्या मान रखे हमने ए लिखे ए का, देखिए इसका निकालेंगे ए त्रिभुज डी सी ई, त्रिभुज डी सी की भुजा तो कौन सी आ जाएगी डी सी, भुजा स्क्वायर अंडर रूट तीन बटे चार भुजा का स्क्वायर, भुजा कौन सी है डी सी, डी सी का स्क्वायर, इसका भी अंडर रूट तीन बटे चार भुजा स्क्वायर, और इसकी भुजा कौन सी आ जाएगी पीडी का, इससे ये कट जाएगा, क्या बचेगा एरिया त्रिभुज डी
अभी एरिया त्रिभुज बीडी है। बीसी का मान क्या मान रखा है? ए, या ए का स्क्वायर बटे बीडी स्क्वायर का मान यहां से आ गया क्या? दो ए स्क्वायर। बीडी स्क्वायर का मान यहां से रखा मतलब क्या? दो ए स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा तो यहां हो जाएगा क्या? ए। यह क्या एरिया त्रिभुज डी सी ई बटे एरिया त्रिभुज बी डी है बराबर ऊपर बच गया ए, नीचे बच गए एरिया त्रिभुज डी सी ई। देखिए बटे वाली संख्या को इधर भेज देते हैं दूसरे पक्ष में, तो बटे वाली संख्या को इधर सबसे ज्यादा तीन का गुणा में, तो यहाँ ऐसे कैसे एक बटे दो ये बटे वाली संख्या का सदा गुणा में हो जाएगा त्रिभुज डी डी है और के गुणा में सी। इस प्रकार से 11 और 4 प्रश्नावली खत्म हुई। आगे की चर्चा नई प्रश्नावली की शुरुआत नए दिन से करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी। घर रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ाई ऑनलाइन करते रहें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।